Hello all of you, welcome to this amazing channel Companies Informer. So today's topic is very important because today we will talk about classification of enterprises, means उद्यमियों का वर्गीकरण. So let's start the video. Tell me your things in comments. How much divided in enterprises? Basically, मूल रूप से enterprises are classified in different level, but according to companies, decided level first, second and third category. Accounting standards are applicable to companies. तो आइए कंपनी की पहले चरण की बात कर लें. Level first companies. Companies that have debt or equity securities listed either in India or abroad. मतलब कि वे कंपनियां जिनकी ऋण या इक्विटी प्रभूतियां न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है. एंड कंपनीज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग देयर डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज एंड हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशंस एंड एन एविडेंस. और वे कंपनियां जो अपने ऋण या इक्विटी प्रभूतियों को क्रम के हिसाब में करने की प्रक्रिया में है और जिनके पास साक्ष्य साहस के रूप में निदेशक मंडल का संकल्प है, जिनमें बैंक्स इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब सहकारी बैंकों सहित बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वित्तीय संस्थानों, एंटरप्राइजेस दैट एग्जीक्यूट इंश्योरेंस बिजनेसेस वे उद्यम जो बीमा व्यवसाय निष्पादित करते हैं मतलब लागू करते हैं, ऑल इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग कंपनीज दैट हैव ए टर्नओवर दैट डजंट इंक्लूड अदर इनकम फॉर द इंस्टेंट प्रेसिडिंग अकाउंटिंग पीरियड डिपेंडेंट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर देन रुपीज 50 करोड़. मीन्स कॉमर्शियल मतलब वे सभी इंडस्ट्रियल औद्योगिक कॉमर्शियल वाणिज्यिक और बिजनेस रिपोर्टिंग व्यवसायिक कंपनियां जिनका ओवरऑल द बजट 50 करोड़ है. ऑल इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग कंपनीज दैट हैव बोरोविंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स मोर देन रुपीज 10 करोड़ एनी टाइम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड और जिनके पास सार्वजनिक जमा सहित उधार रुपए से अधिक है उन्हें एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन अवधि के दौरान किसी भी समय एनी टाइम 10 करोड़ रुपये और सब्सिडियर एंड होल्डिंग कंपनी ऑफ एनीथिंग अबोव एनी टाइम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड मतलब किसी विशिष्ट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान किसी भी समय सब्सिडियरी सहायक एंड होल्डिंग कंपनी ये सभी कंपनी के पहले चरण लेवल फर्स्ट में आते हैं.